देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी है। बता दें कि ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के मैन्युफैक्चरर कंपनियों सहित यूरोपियन कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई, जिसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया। हरियाणा में रोहतक के PGIMS में 50 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए PGIMS ने सोमवार को OPD सेवा बंद करने के साथ साथ कुछ पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। हरियाणा के गुरुग्राम की पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की गई 2 नवजात बच्चियों को बरामद किया। पंजाब के फगवाड़ा में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण आज सुबह मोहल्ला पीपरंगी में एक दूध की डेयरी की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पारा शून्य से नीचे गिरने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज बर्फबारी हुई, जिसके चलते शिमला में ताजा बर्फबारी से सड़कें और घर ढके हुए नजर आए। तमिलनाडु में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 159,632 नए मामले सामने आए। इस दौरान 40,863 लोगों की रिकवरी दर्ज की गई और 327 लोगों की मौत हुई। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली NCR में बारिश जारी है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।